सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि फाइनली मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए आईपीएल 2022 का बैट्समैन का ओवरले। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं ये प्लेयर्स का स्टेट हम लोग बनाने वाले हैं पिक्सल लैब के अंदर, और बहुत ही ईजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया है, और ये बहुत ही हेल्प करेगा आपके जो गेम प्ले को बूस्ट करने में और आपके गेम प्ले को अच्छा बनाने में। सो गाइस, काफ़ी टाइम से इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हम लोग ट्राई करेंगे इस चैनल पर रेगुलर रहने के लिए। तो गाइस, अब आप लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल वीडियोस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ चैनल को किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से वीडियोज़ को वायरल करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, और जितने भी टिप्स और ट्रिक्स रहती है सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी कमाल के वीडियो और जो असल वीडियो होते हैं इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल वीडियो, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस, पीएलपी फाइल का लिंक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहने वाली है पीएलपी फाइल। तो वीडियो में जो पासवर्ड रहेगा गाइज, वो आपको आई बटन में देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप लोग को पासवर्ड मिलेगा। सो गाइज, काफी टाइम हो गया है, तो बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे फर्स्ट आप लोगों ने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है, और गाइज यहाँ पे मैंने बना के रखा है, तो आप लोगों को जल्दी से मैं ट्यूटोरियल बता देता हूँ। सो गाइस, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे से एक शेप सिलेक्ट कर लेना है। तो शेप को लेने के बाद कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट किया है, और इसका एक और कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद गाइस जिस तरीके से मैंने लगाया वैसे लगा देना है, और एक और शेप हम लोगों ने कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर इसको लगा दिया है, अब हम लोगों ने यहाँ पर लेयर पर चले जाना है और तीनों को मर्ज कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनको मर्ज कर लिया है। मर्ज करने के बाद गाइस, जो भी कलर हमको चाहिए वो कलर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग फिलहाल आरसीबी का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। तो गाइज, रेड कलर हम लोगों ने ले लिया है, अब हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से लगाने के बाद एक और इसका कॉपी कर लेना है, और कॉपी का कलर हम लोगों ने वाइट ले लेना है। तो गाइज, यहाँ पे मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने वाइट ले लिया, और जहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों ने उसको लगा देना है। तो गाइज, ये लग गया हमारा, अब इसका एक और कॉपी करेंगे हम लोग, और कॉपी का कलर फिर से हम लोग रेड रखेंगे। तो रेड कलर करने के बाद गाइज, हम लोग इसको यहाँ पे एडजस्ट करके लगा देते हैं। गाइज, अब हम लोग एक और शेप ले लेते हैं, और जो नीचे जो प्लेयर का नाम वाला है वो बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम लोगों ने पर्सपेक्टिव में चले जाना है। तो पर्सपेक्टिव का काफ़ी काम पड़ने वाला है गाइज आज के इस ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया इसके कॉर्नर को, वैसे आप लोग कर लेना है, और दूसरी साइड वाला भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सो गाइज, ये दोनों हो गए, अभी हमारा ये कम्प्लीट हो चुका है, अब हम लोग इसका कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल हम गार्डियन में जाकर रेड कलर कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। तो आप भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लगा लेते। अब गाइज, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करने के बाद कुछ यहाँ पे पर्सपेक्टिव में फिर से जाएंगे, और इस तरीके से एडजस्ट करके इसको यहाँ पे लगा देंगे, और ये हमारा बन चुका है गाइज। अब हम लोग ब्लैक वाला बनाने वाले हैं। तो ब्लैक वाला बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसकी कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है जैसा हम लोग को ब्लैक वाला दिख रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली एडजस्ट कर दिया है, अब हम लोगों ने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। तो इसका कलर मैं जल्दी से ब्लैक कर लेता हूँ। तो गाइज, इसका कलर मैंने ब्लैक कर लिया, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके का ये हमारा दिखने वाला है। सो गाइज, एक और शेप ले लेना है हम लोगों ने इसकी कॉपी करके, और यहाँ पर लगा देना है। तो ये बन चुका है गाइज, अब हम लोग फाइनली एक और जो यहाँ पे आईपीएल करियर लिखा हुआ है वो वाला बनाने वाले हैं। तो एडिट पे क्लिक करना है, और कुछ इस तरीके से इसकी साइज की तरह हम लोगों ने रख लेना है, और इसको थोड़ा सा जूम करना है, पर्सपेक्टिव में जाना है, और इसके कॉर्नर को भी सही कर लेना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो गाइज, ये हो चुका है, अब हम लोग इसका कलर वाइट रख देते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसका कलर लगा दिया है, और ये हमारा कम्प्लीटली बनकर रेडी हो चुका है गाइज। अब हम लोगों ने एक और शेप लेना है, और इसको कॉर्नर में जो साइड में है ना वहाँ पे रोटेट करके लगा देना है। तो यहाँ पे मैं इसको रोटेट करके लगा देता हूँ। तो ये लग गया, इसका कलर ब्लैक रख लिया हम लोगों ने, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे हम लोग। सो गाइस, ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है, अब हम लोगों ने जो रन वाला है वो रन वाला हम लोगों ने बनाना है। तो शेप को ले लेना है, पर्सपेक्टिव में चले जाना है, और वही करना है गाइस, कॉर्नर को हम लोगों ने सही तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है, और इसको सही जगह पे लगा दिया है। अब इसका कलर रेड ले लेते हैं, और इसकी ऊपर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसका कलर हम लोगों ने वाइट रखना है गाइज, और कुछ इस तरीके से लगाना है जैसे मैंने लगाया है। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है गाइज, अब हम लोगों ने सिर्फ ये वाला मटेरियल ले लेना है। जो ये वाला मटेरियल का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो ये वाला मटेरियल भी आप लोग ले लेना, और जितने भी हमारे रन वगैरह स्ट्राइक रेट हैं उनके ऊपर लगा देना है। तो ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है गाइज। अब मैंने जो टेक्स्ट वगैरह पहले से डाले हुए थे, तो उन सभी टेक्स्ट को मैं फ्रंट पर लेके आ
आ जाता हूँ तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट लगा लेना, और जो टेक्स्ट की शेडो है वो भी आप लोग रेड रख देना। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ, और ये मटेरियल एक बार फिर से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, और इसका कलर हम लोगों ने थोड़ा सा अलग ले लेना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कलर रख लेना है। यहाँ पे फिलहाल मैं ब्लू रख रहा हूँ, ये ब्लू करने वाला हूँ मैं इनको, तो ये ब्लू कलर मैंने रख दिया गाइज, ये हमारा बन चुका है। अभी हम लोगों ने एक प्लेयर को सिलेक्ट करना है, प्लेयर का पीएनजी जो भी आपका प्लेयर है वो लगाना है। तो मैं यहाँ पे प्लेयर का पीएनजी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो फिलहाल मेरे पास एबी डिविलियर्स का प्लेयर पीएनजी पड़ा है, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइज इसका साइज एडजस्ट करना है और इसको नीचे ले लेना है। सो कुछ इस तरीके का यह गाइज दिख रहा है, तो काफ़ी कमाल का ये बन चुका है। अभी यहाँ पे सिर्फ प्लेयर का लोगो रहा है टीम का, तो मैं यहाँ पे हैदराबाद वाला सिलेक्ट किया हुआ था तो वही लगा देता हूँ। सो गाइज कमाल का दिख रहा है ये, तो ये हमारा कम्प्लीट बनकर रेडी हो चुका है, और इसको आप अपने वीडियोज़ में, गेम प्ले वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छा गेम प्ले बना के दे सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।